नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कानपुर में गुरुवार की घटना के बाद से विकास दुबे फरार है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं, जिसमें पता चल रहा है कि कानपुर में विकास दुबे का मतलब आखिर क्या था। विकास दुबे से लोग इतना डरते थे कि उनके सामने कुछ भी बोल नहीं सकते थे और इसकी पीछे की वजह थी विकास दुबे का सत्ता के साथ सीधा सीधा कनेक्शन। अब जब से विकास दुबे के पीछे पुलिस पड़ी है और उसे उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल जो है जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने जो 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, उनके शव को चौराहे पर जलाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। ट्रैक्टर से तेल निकाले जा चुके थे और इन सब में जो उनकी मदद करने वाले थे वो वही डरे सहमे गाँव वाले थे। गुरुवार को पुलिस वालों की हत्या की खबर मिलने के बाद जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो पुलिस वालों के शव एक के ऊपर एक पड़े हुए थे। सभी शवों को जलाने के लिए घर में मौजूद ट्रैक्टर से तेल निकाला जा रहा था, तभी पुलिस की दूसरी टीम मौके पर पहुंच गई और बदमाश वहां से भाग निकले। गांव में विकास का खौफ ऐसा था कि किसी ने भी उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। पुलिस गाँव वालों से पूछती रही लेकिन सब चुपचाप रहे। विकास के खौफ को ऐसे भी समझा जा सकता है कि शनिवार को प्रशासनिक अधिकारी करीब 6 घंटे गांव में रहे, विकास दुबे के घर को उसकी ही जेसीबी से तोड़ते रहे, लेकिन कोई भी गांव वाला ये सब देखने घर से बाहर तक नहीं निकला। यही वजह है कि इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी किसी ने अब तक विकास के खिलाफ खुलकर गवाही भी नहीं दी है। बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश जारी है। विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। इन सभी इलाकों में विकास के परिवार वाले रहते हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे कि जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ा जा सके। विकास दुबे के नेपाल भागने की भी आशंका है, लिहाजा लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस भी अलर्ट पर है। वहीं पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। ये सभी वे लोग हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में विकास दुबे से बात की थी। विकास से बात करने वाले लोगों में कुछ पुलिस वालों के नंबर भी हैं, इसलिए इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि जब पुलिस की टीम विकास दुबे से पूछताछ के लिए निकली थी तो किसी ने फोन पर इस बात की जानकारी पहले ही दे दी। आपको बता दें कि गुरुवार को विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम उनके घर पर पहुंची थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी थे और सभी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई विकास दुबे के आदमियों की तरफ से और सभी इसमें शहीद हो गए, जिसके बाद से दूसरी पुलिस टीम वहां पर शव को लेने के लिए जब पहुंची तब ये जानकारी मिली कि शव को चौराहे पर जलाने की पूरी प्लानिंग सेट की जा चुकी थी। फिलहाल पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही है और विकास दुबे गुरुवार से ही फरार है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।